सो है गाइस, वेलकम टू दिस कोर्स मशीन लर्निंग विद वेब डेवलपमेंट पे आप सभी का स्वागत है। ये इस कोर्स का ये 8th वीडियो है और इस वीडियो पे मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML iframes क्या होते हैं, HTML iframes कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कोड करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये आपको मैं इस कोर्स पे आज सिखाऊंगा। लास्ट वीडियो पे मैं आपको सिखाया था कि HTML लिस्ट क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ मेरा इस कोर्स का 7th वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि HTML लिस्ट क्या होते हैं। और अगर आपको मशीन लर्निंग सीखना है विथ वेब डेवलपमेंट के साथ और मॉडल डिप्लॉयमेंट करना है, देन आप इस कोर्स को कर सकते हो। आप इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आप पूरा सीख जाओगे कि मॉडल डिप्लॉयमेंट विथ वेब डेवलपमेंट पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस कोर्स का जो टॉपिक है क्या है, HTML iframes, उसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं हमेशा की तरह वेब पे जाके आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने वेबसाइट पे आ गया, इंटरनेट पे गूगल क्रोम में मैंने खोल लिया। यहाँ पे फिर सिंपल टाइप करूंगा HTML, ठीक है, iframes एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा कोड पे लेके लेने के लिए बोलेगा, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पिक्चर पे चले जाऊंगा, ठीक है। पिक्चर के चले जाने के बाद देखता हूँ या कुछ एग्जांपल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसलिए चलिए। तो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तो ये है गाइस एग्जांपल। इसमें आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा और इसमें आपको आई फ्रेम जो है इसको बोलते हैं। अब देखिए कि ये गूगल मैप नहीं है, एक ही दूसरा वेबसाइट है, तो इसमें ये मैप कैसे आ गया, राइट, तो इसको बोलते हैं आई फ्रेम। अब मैं आपको आई फ्रेम इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपको वो सिखाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि पहले अब मेरा कोड जहाँ पे मैंने कोडिंग करता हूँ, इस जो फाइल्स पे ऊपर मैं काम करता हूँ उसके मैं ऊपर आ गया, तो यहाँ पे मैं सिंपल आई फ्रेम को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इसलिए उसका टैग और नेम ऑब्वियसली सेम ही होता है हमेशा, आई फ्रेम, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे सोर्स मांग रहा है, देन व्हाट इज़ द सोर्स गाइस, ठीक है। तो बेसिकली आई फ्रेम क्या होते हैं, नाम से आप इसको आपको मतलब आप जान जाओगे कि आई फ्रेम एक्चुअली क्या है। गाइस मान के चलो ये मेरा डेस्कटॉप एक फ्रेम है, राइट, इसके अंदर मैंने सबलाइन टेक्स्ट ओपन करके कोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये किसको कॉल कर रहा है, ये फ्रेम इस सबलाइन सॉफ्टवेयर को कॉल कर रहा है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, राइट। तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि गूगल मतलब HTML वेब पेज पे एक वेबसाइट के अंदर एक दूसरे वेबसाइट को एक फ्रेम के अंदर डालूंगा। सिंपल गाइस, क्या कैसे कि एक फ्रेम बनाऊंगा, उसके अंदर सोर्स पे कहाँ क्या डालूंगा, उस वेबसाइट का लिंक डालूंगा जिसको मैंने डिस्प्ले करना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको दिखाता हूँ आपको सोर्स के क्या होता है, कि सोर्स के अंदर मैं किसको दिखाऊंगा। मान के चलो मैं इसी वेब पेज को इसी वेब पेज के अंदर दिखाना चाहता हूँ, काइंड ऑफ नेस्टेड। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा सोर्स के अंदर, index.html, सिंपल है, मैंने लिख दिया। अब चलो इसके और थोड़ा छोटा स्टाइलिंग करना होगा, तो जान सीखते हैं कि स्टाइलिंग क्या मतलब इसके अंदर क्या स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो सिंपल स्टाइलिंग करने के लिए आपको पहले ऑब्वियसली मैंने सिखाया स्टाइल टैग को ओपन करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉर्डर को हटा दूंगा, इसलिए बॉर्डर लिखा, और जैसे कि मैं हटा रहा हूँ तो इसलिए मैं इधर बॉर्डर को नन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं अगर आप इसको टाइटल देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, तो चलिए मान के चलो मैं टाइटल देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने टाइटल टैग को यूज़ किया और टाइटल के अंदर मैं इसको लिखूंगा मान के चलो आई फ्रेम एग्जाम्पल, ठीक है। और चलो इसको सेव कर देता हूँ और चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। मैं मेरे वेबसाइट पे आ गया, अभी यहाँ पे आएगा आई फ्रेम, ठीक है। चलो देखो गाइस, मैंने रीलोड कर लिया और आई फ्रेम आ गया। आप देख सकते हो इस वेब पेज के अंदर ही एक वेब पेज, मतलब ये इसको ही मैंने इधर डिस्प्ले कर रहा हूँ। देख आप देख सकते हो गाइस, इसका साइज़ छोटा है ताकि क्योंकि मैं यहाँ पे साइज़ अलग सा मेंशन नहीं किया, तो इसलिए इसका डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट इतना साइज़ पे ये दिखाता है, इसलिए इसका साइज़ पे आ गया। तो चलिए इसको डिस्प्ले बढ़ा करके देखते हैं, राइट। इसलिए मैंने फिर से स्टाइल के अंदर जाऊँगा और इसका विड्थ मैं बड़ा कर दूंगा, मान के चलो इसका विड्थ कर दिया मैंने 14 VH। आपको याद है VH क्या होते हैं, ठीक है। देखो 14 VH से ये थोड़ा छोटा हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका विथ और भी ज़्यादा करना होगा क्योंकि 14 VH बाय डिफॉल्ट विथ से छोटा है, इसलिए मैंने मान के चलो एक बड़ा विथ दे दिया 100 VH। चलिए देखते हैं, अब देखो
अब हुआ परफेक्ट। अब देखो इसका हाइट थोड़ा छोटा है, इसके लिए हाइट चेंज करूंगा। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, हाइट, वो भी मैंने दे दिया 100 VH। देन इस किस टाइप पे दिखने को मिलेगा, स्क्वायर, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखो गाइस ये हो गया मेरा, देखो ये पूरा यहाँ पे इंडियन फ्लैग दिख रहा है, राइट गाइस, जो मैंने आपको एग्जांपल पे दिखाया था। तो चलिए चलिए आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस अभी इसमें आई फ्रेम नहीं आ रहा है, राइट, आपका यह क्वेश्चन है इसमें आई फ्रेम क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस वेब पेज में तो मैंने आई फ्रेम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया। ये गाइस थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एक आई फ्रेम के अंदर आई फ्रेम इंस्टॉल मैंने किया, मतलब कोडिंग किया, इसलिए यहाँ पे आई फ्रेम नहीं है। ये जिस वेबसाइट से आई फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है उस वेबसाइट पे मैंने कोड किया, इसके अंदर जो डिस्प्ले वेबसाइट हो रहा है उसके अंदर मैंने नहीं किया, राइट, तो इसलिए यहाँ पे आई फ्रेम नहीं है। तो ये होता है गाइस आई फ्रेम। आई होप आपको या मतलब पता चल गया कि आई फ्रेम क्या होते हैं। सिंपल गाइस मैं कोड को और एक बार रिविजन कर देता हूँ। आई फ्रेम बोल के आपको टैग लिखना है, उसके अंदर सोर्स पे डालना है। तो सोर्स पे चलिए गाइस और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ गूगल मैप का आई फ्रेम यूज़ करके, ठीक है। तो पहले एक बार रिविजन कर लेता हूँ। सोर्स के अंदर मैंने index.html फाइल लिखा है जो कि मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ इस फाइल को। उसके बाद स्टाइलिंग थोड़ा चेंज किया, बॉर्डर पे नन किया, विथ और हाइट मैंने दे दिया क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये छोटा आता है इसलिए। उसके बाद टाइटल पे एक नाम दे दिया आई फ्रेम एग्जांपल, ठीक है। अब देखो कि इसको मैंने गूगल मैप का इंपोर्ट करूँगा। तो पहले मान के चलो यहाँ पे गूगल मैप ऑलरेडी है, तो इसको पहले एक बार ओपन करके पूरा बड़ा से ओपन कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा इसको मैंने ना, नहीं तो अब इसको भी कॉल करके दिखा सकते हो। एम्बेडेड में जाओगे तो आपको यहाँ पे लिंक वो मिल जाएगा। आप इस सिंपली इस लिंक को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अगर आप एम्बेडेड पे जाते हो तो आपको देखो आप वहाँ पे आपको ऑलरेडी मतलब सेल्फ डिफाइन आपको आई फ्रेम मिल जाएगा। आप सिंपली इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको कोडिंग करनी नहीं पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कोडिंग सिखा रहा हूँ इसलिए मैं उसको कॉपी नहीं करूँगा, बाय डिफॉल्ट मेरा जो खुद ने बनाया है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो गाइस कि यहाँ पे गूगल मैप आ गया, बट यहाँ पे थोड़ा इसका और भी फंक्शनलिटीज़ लिखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे गूगल इसको मेरा रिफ्यूज़ कर दे रहा है डिस्प्ले करने के लिए। इसलिए मैं इसको डिफ़ॉल्ट जो है ना यहाँ पे लूँगा, क्योंकि गाइस उसका रीज़न देखो क्यों। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी है जिसको मैंने नहीं यूज़ किया, अलाउ हिडन या सारे चीज़ को मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि ये पर्टिकुलरली इस डिस्प्ले के लिए बना है, तो इसलिए वहाँ पे नहीं आया। तो चलिए उसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। अब देखो गाइस आ गया, देखा, क्योंकि उसका जो एट्रीब्यूट्स था खुद मतलब सेल्फ एट्रीब्यूट्स मैंने इस्तेमाल किया तब आया। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं आई फ्रेम। आई होप आपको पता चल गया कि आई फ्रेम क्या है, ठीक है। और गाइस इस वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको पूरा चीज़ याद क्लियर हो गया। और इस आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, आप सुन के खुश हो जाओगे, ठीक है। ये सरप्राइज़ है कि मैं जो यहाँ पे जो कोर्स आपको सिखा रहा हूँ ना एक वेब डेवलपमेंट का, तो मान के चलो आप तो मेरा चैनल पे फॉलो करते ही हो, अगर नहीं करा तो प्लीज़ अभी जाओ सब्सक्राइब करो। अगर आप तो मेरा चैनल फॉलो करते हो आपको देन प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कभी कभी प्रॉब्लम होता है जब हम प्रीवियसली वीडियोस देखते हैं, राइट, आपको बहुत सारा ढूंढना पड़ता है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने खुद का न्यूरल टेक का वेबसाइट मैं लॉन्च करूँगा। लॉन्च डेट पे मैं लास्ट पे बताऊँगा आपको, लॉन्च कब किस दिन पे मैं करूँगा वो डेट मैं लास्ट पे आपको बता दूँगा इस वीडियो का। तो मैंने एक वेबसाइट लॉन्च करूँगा कोर्स का, वहाँ पे आपको पूरा चीज़ मिल जाएगा। मेरा वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। और उसमें मैं क्या करूँगा, पूरा कैटेगराइज्ड आपको ये कोर्स जो मैंने आपको वीडियो सिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो उस वही उधर आपको मिलेगा, बट वहाँ पे पूरा वन बाई वन एकदम सिक्वेंटली मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ बाकी कोर्सेज मैं जितना कोर्सेज मैं इस चैनल पे आपको मतलब कराया है अभी तक और फ्यूचर में कराऊँगा, सारे कोर्सेज का कैटेगराइज वहाँ से वहाँ पे मिल जाएगा आपको, विथ प्रैक्टिकल कोडिंग वीडियोस रिलेटेड, आई मीन कोडिंग आपका फाइल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा उस वेबसाइट पे। और उस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा, उसमें एक फॉर्म रहेगा, और वो फॉर्म पे आपको सिंपली क्या करना है, आपका पूरा नाम, आपका कोर्स का कितना दिन पे आप किस कोर्स को कंप्लीट किया, वो सारी चीज़ आपको भरना है। उसके बाद आप जिस मेल आईडी उस फॉर्म में दोगे उस मेल आईडी पे आपको उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और वो सर्टिफिकेट गाइस नॉर्मल सर्टिफिकेट आपके नहीं होगा, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के गूगल डेवलपर एक्सपर्ट
उसके साथ कुछ स्टार्टअप्स का CEO भी सर्टिफाइड सर्टिफिकेट पर साइन करेगा, जिस सर्टिफिकेट वैल्यू आपका जो ये वैल्यू है उसको बढ़ा देगा आपका, ठीक है। तो सर्टिफिकेट मिलने के लिए प्लीज़ मेरा कोर्सेज को डेली बेसिस पे कीजिए, और यहाँ पे जैसे मैंने अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा बट वहाँ पे आपको इंस्टेंटली अपडेट्स मिल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिया तो वहाँ पे भी इंस्टेंटली वीडियो चले जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ उस वेबसाइट को फॉलो कीजिए, और उस वेबसाइट मैं लॉन्च करूँगा 28 अगस्त पे, ठीक है, जो कि इस वीक पे ही है। तो प्लीज़ उस वेबसाइट पे जाइए गाइस, ट्रैफिक बढ़ा दीजिए, उस वेबसाइट पे जाइए, और वो वेबसाइट पे जितना कोर्सेज है बिल्कुल जैसे इस चैनल पे फ्री है वहाँ पे भी सिर्फ सब चीज़ें फ्री है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा बहुत लोग है जो स्टूडेंट है मेरे तरह, मैं भी इस टाइम अब मेरे जब मैं करियर पे था, मैं अभी भी हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ, बट मुझे ऐसे बहुत दिक्कत होती है जिसका मॉनेटरी प्रॉब्लम है तो उसको अब उसका कोर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसलिए मैंने ये कोर्सेज करना स्टार्ट किया ताकि आप लोग मेरे कोर्सेज पे आइए, मेरे एक्सपीरियंस मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ इस मेरे कोर्स पे, ताकि आप मेरा कोर्स सीखिए, जानिए कि क्या होते हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कैसे यूज़ होते हैं। गाइस मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इस वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट इसमें मैं आपको पूरा चीज़ सारे चीज़ एक्सप्लेन किया, सिर्फ कोर्स को नहीं कोर्स को एक्सप्लेन नहीं किया, उसके साथ साथ उस वेबसाइट के बारे में सारे चीज़ एक्सप्लेन किया, इसलिए इस वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यही है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके अभी भी चेक कर सकते हो। अभी भी आपको कुछ फाइल्स मतलब कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो 28 पे लॉन्च हो रहा है, अब अभी आपको सिर्फ काउंटडाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फिर भी जाइए चेक कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरा चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस न्यूज़ को सुनने के बाद प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। एम रखता हूँ कि इस पूरा सारे प्लेलिस्ट मतलब ये प्लेलिस्ट का वीडियो सारे वीडियो का 10 लाइक दे दोगे, राइट। ये बहुत ही छोटा अमाउंट है गाइस, प्लीज़ दे दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।